गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद में अब नई सरकार के शपथ ग्रहण का तख्ता तैयार हो चुका है, मंडप तैयार हो चुका है। मैं इस समय उसी जगह पर मौजूद हूँ, शपथ ग्रहण समारोह के स्थल पर। गांधीनगर का हेलीपैड ग्राउंड है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर विशाल संख्या में लोग बैठ सके इस तरह का एक डोम बनाया गया हुआ है। और शपथ ग्रहण की अगर मैं बात करूँ तो तीन स्टेज आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में के लिए। जो पहला मुख्य स्टेज है जहां पर इस समय आपको काफी हलचल दिखाई दे रही होगी, सुरक्षाकर्मी और तमाम लोग यहां पर इस समय अपने तरीके से तमाम जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये है मुख्य स्टेज शपथ ग्रहण समारोह का। इसके बाई तरफ आपको जो स्टेज दिखाई दे रहा है वहां पर तमाम बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और जो और मुख्य मेहमान है, महत्वपूर्ण अतिथिगण है, उनके बैठने का तख्ता है। और इसके अलावा जो एक और स्टेज आपको बाई तरफ दिखाई दे रहा है वो है साधु संत और अन्य मुख्य अतिथि गणों के और तमाम समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनके बैठने के लिए मंच बनाया गया है। कुल तीन मंच बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात को ही अहमदाबाद पहुंच चुके हैं इस प्रचंड जीत से, जीत वाली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में। अमित शाह भी यहाँ पर हाजिर रहेंगे। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीबन 16 से 17 लोगों का एक छोटा सा मंत्रिमंडल होगा जिसका आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में। और इसके अंदर कई ऐसे पुराने चेहरे हैं और काफी कुछ नए चेहरे हैं जिनको उनके जो जोन है, जिला वाइज है, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात में जिनका प्रतिनिधित्व है, ऐसे तमाम लोगों को तरजीह दी गई है सबका प्रतिनिधित्व हो सके, इस तरह का ध्यान रखा गया है। फिलहाल 16 से 17 मंत्री जो है आज शपथ लेंगे और उसके बाद में शाम को 5 बजे के आसपास कैबिनेट की मीटिंग है जहां पर उनके पोर्टफोलियो, उनके विभागों का आवंटन किया जाएगा। फिलहाल होटल लीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह तमाम विधायकों के साथ में भोजन समारोह में इस समय शामिल हुए हैं और उसके बाद करीबन 2 बजे के आसपास यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। कैमरामैन प्रतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24।